फोकस रहेगा मेटल स्टॉक्स पर। मेटल काउंटर्स जैसे हम आपको बता रहे थे वहां पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। दरअसल एक चीज है, चाइना में जो पावर की क्राइसिस हो रही है, चीन के अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग राज्यों में पावर कट की घोषणा की गई, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है मेटल्स पर। चाइना की जियांगसू स्टील मिल्स पूरी तरह से बंद है और वो इनफैक्ट फ्यूल कर सकती है स्टेनलेस स्टील के दाम गोइंग फॉरवर्ड और सप्लाई। इसी पर डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं जिंदल स्टेनलेस के डायरेक्टर तरुण खुलबे। उनसे पूछेंगे कि ये इंटरनेशनल सिचुएशन के क्या मायने हैं और ऑफ कोर्स ओवरऑल डिमांड की स्थिति क्या है। मिस्टर खुलबे, स्वागत है आपका। ये जो चाइना में कई सारी स्टील मिल बंद हुई हैं, उससे आप क्या पकड़ रहे हैं? क्या ये और प्राइसेस को फ्यूल कर रहा है? क्या डिमांड भारत में आ सकती है इसके मद्देनजर? देखिए, अगर स्टेनलेस स्टील की हम डिमांड के बारे में बात करते हैं तो इसको पहले हम देखते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया की जो जीडीपी जो रिवाइज अभी 21-22 के लिए दी है वो करीब 9.5% दी है। तो स्टेनलेस स्टील की डिमांड भी कहीं ना कहीं जीडीपी से थोड़ी लिंक्ड होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्टेनलेस स्टील की डिमांड में भी अदरवाइज ऑल्सो ग्रोथ आनी चाहिए 8-10% की। अब स्टेनलेस स्टील का इंडिया में अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो करीब 12% कंजम्पशन होता है जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा में, 13% का कंजम्पशन होता है ऑटोमोटिव रेलवे, 30% है कैपिटल गुड्स में, 44% है हाउसहोल्ड गुड्स एंड ड्यूरेबल्स में। तो लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जैसा कि गवर्नमेंट की भी जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है इंफ्रा के ऊपर और जिस तरीके से गवर्नमेंट के आगे के प्लान्स हैं जिसमें कि स्टेशन रेलवे री डिप्लॉयमेंट है, नए मेट्रो स्टेशन, नए मेट्रो लाइंस हैं, एयरपोर्ट नए बन रहे हैं और जो नए हाईवेज बन रहे हैं, तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि और हमें ऐसा लगता है कि स्टेनलेस स्टील की डिमांड स्ट्रांग है और स्ट्रांग रहनी चाहिए। और वर्ल्ड ओवर भी ग्लोबल मार्केट में भी अगर हम देखें तो स्टेनलेस स्टील की डिमांड स्ट्रांग ही है। और क्योंकि जब पोस्ट पैंडेमिक जो आपकी वहां की गवर्नमेंट्स ने ईयू में भी क्वांटिफाई कर पाएंगे इस डिमांड को, कितनी ग्रोथ देखने को मिल सकती है? क्योंकि आपने कहा भारत में सरकारी इंफ्रा में स्पेंड देखने को मिला है, इनफैक्ट भारत की निजी कंपनियां भी खर्च कर रही है, तो स्टील की डिमांड उस लिहाज से भी आ रही है। डिमांड में कितनी और इम्प्रूवमेंट क्या आप गाइड कर रहे हैं? डिमांड ग्रोथ के लिहाज से कितने वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं स्टेनलेस स्टील में? जो टोटल मार्केट की को अगर देखें तो हम 8-10% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं जो इस साल में भी रहना चाहिए। ओके, 8-10% ग्रोथ। सर, आपने जो हाल ही में कई सारे एनालिस्ट से बातचीत की उसमें आपने एक सीरीज 400 प्रोडक्ट का काफी जिक्र किया है, मुझे बताइए ये सीरीज 400 प्रोडक्ट है क्या? किन किन सेक्टर्स में डिमांड आ रही है और यहाँ पर प्राइसिंग की स्थिति क्या रहती है? क्या ये हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है? देखिए, स्टील में डिफरेंट सीरीज होती हैं जिसमें जिनको हम मेजरली 200, 200, 300, 400 सीरीज में क्लासिफाई करते हैं। जो 400 सीरीज जो होती है इसमें इसके मेजर जो कंटेंट है उसमें क्रोम आयरन ही मेन कंटेंट होता है, जो मेनली होता है इसमें निकल नहीं होता। और निकल नहीं होने से इस जो सीरीज में जो वॉलेटिलिटी है जो प्राइसिंग की या कॉस्ट की वो थोड़ी सी कम हो जाती है रिलेटिवली। और जहां तक इसके कंजम्पशन की बात है, 400 सीरीज में आप इंडिया में जो रेलवे में हम कोचेस देखते हैं, जो वैगन देखते हैं, ये सब 400 सीरीज के ही बनते हैं। जो अपना ये जो लिफ्ट एंड एलिवेटर सेगमेंट है, ऑटोमोटिव सेगमेंट है, उसमें भी 400 सीरीज ही जाता है। और जहां तक हमारा सवाल है, हम लोग इसको एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफी स्ट्रॉन्ग देखते हैं और हमारा रफली अराउंड 15-20% ऑफ एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो भी 400 सीरीज में ही रहता है। तो वहां से भी अच्छी खासी डिमांड आ रही है। सर, मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था, अब चाइना में क्योंकि कुछ स्टील मिल्स बंद हो रही हैं, क्या वो डिमांड भारत में आ सकती है, क्या इस पर आप रोशनी डाल पाएंगे? साथ ही आपका कैपेसिटी बढ़ाने का भी प्लान था, एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपने टारगेट किया था लगभग 3 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी, क्या वो ऑन ट्रैक चल रहे हैं? तो हर्षदा, इसमें जहां तक चाइना का जो फिनोमिना आप जो बोल रही हैं ये भी रीसेंट न्यूज है। हालांकि अगर हम पास्ट में देखते हैं या अपने पिछले 4 महीनों को देखते हैं तो उसमें तो चाइना से एक्सपोर्ट इंडिया में बल्कि ज्यादा ही हुआ है।
इनफैक्ट अगर हम डेटा को देखें तो पिछले साल के एवरेज से इंडिया में जो पिछले जो शुरू के चार महीने में अप्रैल टू जुलाई का डेटा है वो 177% इंपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ इंडिया में, और उसमें भी चाइना और इंडोनेशिया से का जो शेयर है उसमें 80% रहा। लेकिन अब ये जो फिनोमेना की हम आप जो बात कर रहे हैं ये अभी नया फिनोमेना है, इसको अभी हमें देखना है, क्योंकि अभी तक चाइना से हमको एक्सपोर्ट में और पर्टिकुलरली इंडिया में तो बिल्कुल ही कमी नजर नहीं आई है। दूसरे देशों के भी डेटा में जो हम देखते हैं तो अभी तक तो चाइना से एक्सपोर्ट बराबर बना हुआ रहा है, एंड अब आगे जिस तरीके से ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि चाइना में इससे पहले भी जब भी प्रोडक्शन कम होने की जब एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह की भी बात आई, लेकिन हिंदुस्तान में जो इम्पोर्ट वहां से आ रहा है उसमें हमको उतनी कमी नहीं देखी गई। लेकिन आगे जैसे किस तरीके से ये होता है उसको हमें भी थोड़ा सा वॉच करना है। सर फाइनली ये जो आप का जेएसएल के साथ मर्जर होने वाला था, टाइमलाइंस ऑफ कोर्स पर आप काम कर रहे हैं, फाइनल अपडेट क्या है एट द मोमेंट? ओके, तो इसमें जिंदल स्टेनलेस हिसार का मर्जर जेएसएल में होना है, दिस मर्जर इज ऑन कोर्स, और इसमें ऑलरेडी हमारे पास एससी और सेबी के अप्रूवल्स हैं, एनसीएलटी में हमारा एप्लीकेशन लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि वो भी हमको वहां से भी जल्द ही अप्रूवल मिल जाना चाहिए। पोस्ट मर्जर मुझे लगता है कि एक इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी और जो कि ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी होगी, और इस कंपनी को स्केल ऑफ ऑपरेशन का भी एडवांटेज मिलेगा क्योंकि उड़ीसा के हमारे प्लांट में हमारे पास रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है फर्दर एक्सपांशन के लिए। उसके अलावा जो जहां तक कैपेसिटी की बात है, ये मर्ज एंटिटी की कैपेसिटी दोनों प्लांट मिलाने से 1.9 बिलियन होती है, लेकिन जैसा कि आपने पूछा भी और हमने पहले भी अनाउंस किया है कि एज अ कंपनी हमने उड़ीसा में 1 मिलियन टन का एक्सपांशन ऑलरेडी स्टार्ट किया है जो कि नेक्स्ट ईयर के एंड तक ऑपरेशन में आना चाहिए। तो विद दैट ये मर्ज एंटिटी की कैपेसिटी 2.9 मिलियन हो जाएगी, और ये इसके साथ ही ये 2.9 मिलियन के साथ ये कंपनी दुनिया की टॉप 10 स्टेनलेस कंपनी में गिनी जाने लगी थी। इस कंपनी को एडवांटेज दोनों तरफ से होंगे क्योंकि उड़ीसा से वॉल्यूम का एडवांटेज आएगा और जो हिसार प्लांट थे जो हमारे निश प्रोडक्ट स्पेशल प्रोडक्ट हैं उसकी फायदा। कुलबे साहब, हमारे पास थोड़ी सी समय की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और ऑफ कोर्स एक आउटलुक दिया कि डिमांड काफी बेहतर है, अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद, और जैसे हम चर्चा कर रहे थे 3% ऊपर जिंदल स्टेनलेस का स्टॉक भी आ चुका है, खरीदारी देखने को मिली है आज मेटल स्पेस में। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए, मार्केट निचले लेवल से रिकवर हो रहा है, इस समय निफ्टी में सिर्फ 60 पॉइंट्स की गिरावट रह गई, अच्छा संकेत है। निफ्टी बैंक 200 पॉइंट से ज्यादा कमजोर था, इस समय 164 अंकों की गिरावट रह गई है। वक्त हो रहा है इसी मोड पर ब्रेक लेने का। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि सीएनबीसी आवाज और